याद है जब लॉकडाउन लगा था कोरोना कालखंड में, मुझे उस समय लगभग 15,000 युवाओं को प्रयागराज से उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था करनी पड़ी थी। और तब हम लोगों ने कहा था कि प्रयागराज के नौजवान हो या उत्तर प्रदेश का कोई भी नौजवान, उनके लिए उनके कैरियर काउंसिलिंग के लिए सरकार एक अच्छी सुविधा देगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था आज हम प्रदेश के हर जनपद में प्रारंभ कर चुके हैं। और प्रयागराज में जो नौजवान परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि अब उनके जीवन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। अगर किसी ऐसे गिरोह और माफिया ने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, तो फिर सरकार की कार्रवाई उसके बाद किस रूप में प्रारंभ होती है, यह आज किसी से छुपा हुआ नहीं है।